हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि म्यूज़ियम बंद होने के बाद मैं इंडिया गेट घूमने चला गया, जो म्यूज़ियम से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है पैदल। इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स के अंदर ही नेशनल वॉर मेमोरियल भी है। सिक्योरिटी चेक्स के बाद मैं अंदर आ चुका हूँ। वो है रेप्लिका ऑफ सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका, जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। नेशनल वॉर मेमोरियल इज़ द इंडियाज फर्स्ट वॉर मेमोरियल विच इज़ डेडिकेटेड टू मार्टियर्स ऑफ डिफरेंट वॉर्स एंड बैटल्स। बच्चों से लेके बूढ़े तक हर ग्रुप के लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। इस जगह को कहते हैं त्याग चक्र। यहाँ पर हमारे देश के 25,942 शहीद जवानों के नाम लिखे गए हैं, जो अलग अलग युद्ध में शहीद हुए थे, जैसे कि वॉर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंडो चाइना वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर, बांग्लादेश लिब्रेशन वॉर, पीस कीपिंग फोर्स इन श्रीलंका, कारगिल वॉर, ऑपरेशन मेघदूत एंड सियाचिन, और कई शहीद जो आतंकवादियों से लड़ने में शहीद हो गए थे। वहीं पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है छोटा सा, जहाँ पे आप चीज़ें खरीद सकते हैं। पे आपको इंडियन आर्मी की ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड कॉमिक बुक्स मिल जाएंगी बच्चों के लिए। मैंने भी यहाँ से 2 कॉमिक बुक्स खरीदी, विच कॉस्टेड मी 50 रुपीज ईच। यहाँ पे आपको शॉपिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे बुक, कॉपी, डायरी, कैलेंडर, की रिंग एटसेट्रा एटसेट्रा।
यहाँ से ये दो कॉमिक बुक्स खरीदी जो कि ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है। मेरे घर में एक छोटी बच्ची है जिसके लिए मैंने ये 30 रुपये का एक खिलौना खरीदा। घर ले आने के बाद वो एक दिन भी उससे नहीं खेली और फाड़ चीर के बराबर कर दिया। फाइनली आई एम गोइंग बैक टू होम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।